तो दोस्तों स्टील के बर्तन तो आपने खूब सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पे दिखाने वाले हैं मिट्टी के बर्तन। हेलो भैया, कैसे हैं? अच्छे। क्या नाम है भैया आपका? रवि। कहाँ से हैं? कमानीपुर। ग्वालियर से ही हैं आप? लक्ष्मीगंज। हाँ, लक्ष्मीगंज से है। तो ये आइटम क्या है? ये कुछ स्पेशल सा लग रहा है हमें, ये आइटम दिखाइए। ये उल्टा तवा है, इसमें रोटी उल्टी डालना पड़ती है। ये उल्टा तवा है, एक बार दिखाएंगे कैसे है? उल्टा करके दिखाएंगे आप कैसा होता है? नहीं, इधर डालेगी इस पर रोटी। अच्छा, रोटी ऊपर से डालेगी? ये ऐसा रखा जाएगा गैस पे। अच्छा, ऐसा रखा जाएगा। तो उल्टी तवे पे रोटी बनाने का क्या फायदा है? रोटी वही वाली बनेगी जो इस पर बनेगी, डिजाइन नया आया है। अच्छा, डिजाइन नया है। एक बार घुमा के दिखा दे आप नीचे से कैसा होता है। अच्छा, नीचे से इसमें से हीट लगेगी, गैस पर रख दीजिए उल्टे तवे पे। इस पे क्या है, ये छेद है इसमें, इससे फूल जाएगी रोटी। अच्छा, ये छेद है ना। अच्छा, इसमें छेद है अंदर, रोटी फूल जाएगी। अच्छा, रोटी फूल जाएगी, क्या बात है भैया। और क्या आइटम है भैया, एक बार दिखाएंगे आप? रोटी बनाने का, ये रोटी बनाने का मिट्टी का तवा है। तो किस टाइप की मिट्टी का होता है ये? टेराकोटा मिट्टी का होता है। टेराकोटा। तो आप ये खुद बनाते हैं कि रेडीमेड आते हैं? रेडीमेड, गुजरात से लाते हैं। बाहर से लाते हैं? गुजरात। गुजरात से आते हैं। तो कितने का होता है ये मिट्टी का तवा? ये 200 रुपए का एक होता है। 200 रुपए का एक होता है। जमाने का सकोरा है। अच्छा, ये दही जमाने का सकोरा है, इसमें दही जम जाता है। इसमें दही जम जाता है, बाजार जैसा दही जमेगा, बिल्कुल क्रीमी सेम बिल्कुल। ये कितने का रहता है? ये 100 का है। ये 100 रुपीज का। ये कढ़ाई दिखाओ, छोटी मिट्टी की, बड़ी प्यारी लग रही है। ये तड़का वड़का लगाने के लिए। अच्छा, तड़का वगैरह लगाने के। अपन थोड़ा सा रायता बनाते हैं घर पे। हाँ। इसमें तेल गरम करके जीरा वगैरह भून के उसमें डाल दो रायते में। अच्छा, मिट्टी का टेस्ट आ जाएगा। मिट्टी का टेस्ट आ जाएगा। एक चीज, अभी इसमें साफ कर सकते हैं इन बर्तनों को? जूने से साबुन से साफ हो जाए। स्टील के बर्तन साफ करते हैं, वैसे ही साफ कर सकते हैं। साफ करके गांव में रख दो 1 घंटे। अच्छा, वो वैसे ही वैसे हो जाएगा। और ये क्या आइटम भैया, एक बार दिखाएंगे आप? ये डिश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिश। या इसमें रोटी रख लो आप। अच्छा, कैसरोल बोलते हैं। हाँ। जो प्लास्टिक का कैसरोल आता है वो है, इसमें पकाते नहीं है कुछ। पक जाता है ना। क्या पका सकते हैं इसमें? जो आपको खाना है, सब्जी, चावल, कड़ी, दाल, उसका स्वाद अलग आएगा। हाँ। ये काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी का है। ये कहाँ से आता है? ये कोलकाता से आता है। ये कलकत्ता से आता है। तो बहुत जगह, नई नई जगह से सामान आता है। और ये इसका प्राइस क्या है? इसका है 650 रुपए का एक। 650 रुपए का पीस। इसमें का छोटा है 550 का। इसका छोटा है 550। भैया कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? किराया बहुत लग जाता है। किराया बहुत लग जाता है, ये बात है। राधा माल लादे में टूट टाट भी जाता है। हाँ, मेन रीजन वही है। हाँ, ये क्या आइटम भैया? ये भगोनी है। ये भगोनी है। दूध बॉल कर लो या चाय बना लो। अच्छा, खीर बना लो। क्या बना लो? खीर। खीर तो स्वाद अलग ही आएगा उसका। दही भी जम जाएगा, पटेगा नहीं दूध वगैरह। अच्छा, मल्टीपर्पज आइटम है। ये क्या आइटम है? ये गंगा सागर है। ये गंगा सागर मिट्टी का, भोले बाबा पे जल चढ़ाने का। अच्छा, जल चढ़ाने के लिए। जग तो वो है और रखा, इसको बोलते जग। अच्छा, जग दिखाना। अच्छा, ये जग भी है भाई, देखिए आप, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा जग है। तो इसमें पानी भर के रख दो, ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, क्या बात है भाई साहब। आइटम तो आप, चाय अपन ज्यादा मेंबर बैठे, इसमें चाय छान लो और मग्गो में कर लो। बड़ा मजा आएगा यार इन बर्तनों में तो खाने पीने का। यार क्या बात है भाई, आप बहुत अच्छी अच्छी आइटम लेके आए हो। जग का क्या प्राइस रहता है? 150 का एक। 150, तो रेट भी ठीक है, नॉमिनल है। और इसका? इसका 120। 120 रुपए। तो ये रेट तो सही लग रहे हैं मुझे। तो ये यही बनते हैं? ये भी बाहर के हैं? ये जयपुर के। ये जयपुर के, ये थोड़ा पास है। और ये क्या है? ये टोटी वाला काला मटका है, टेराकोटा, वो कोलकाता की मिट्टी का। अच्छा, कोलकाता का है ये? कलकत्ता से ही आता है ये भी? क्या बात है भैया। तो इसमें पानी का क्या रहता है? ठंडा ठंडा रहता है, फ्रिज ठंडा रहता है, फ्रिज जैसा पानी। फ्रिज जैसा पानी। भैया ये क्या आइटम है? ये पानी की बोतल है। ये भी मिट्टी की बनी है? क्या बात है भैया, बहुत नए नए तरह के आइटम दिखा रहे हो आप। आजकल कहाँ छुपे थे यार, हम तो आपको ढूंढ ही नहीं पाए। इतनी बढ़िया आइटम आप ग्वालियर वासियों को दे रहे हो। खोल के दिखाएंगे एक बार? अच्छा, बहुत अच्छी बोतल बनाई गई है भाई। और एक बार ये मग भी दिखाएं, ये मग बड़े प्यारे लग रहे हैं आपके आगे। ये कप किस चीज का भैया? ये टेराकोटा मिट्टी। टेराकोटा, ये भी मिट्टी होती है? हाँ, कलकत्ते की होती है। अच्छा, तो इसमें वही कुल्हड़ वाला स्वाद आएगा। हाँ। चाय वगैरह पियोगे? ये धोके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मल्टी यूज है इसका। हाँ। चाय इतनी बार यूज करो। और कप का डिजाइन कौन सा? ये डिजाइन ये भी आपके पास? क्या बात है भैया, आप तो बहुत नए नए तरीके के आइटम लेके आए हो। तो भाई ये गुल्लक बड़े प्यारी प्यारी सी आपको यहाँ पे देखने के लिए गुल्लक मिल जाएंगी। तो ये गुल्लक किस टाइप की होगी भैया, क्या बोलेंगे इसे अपन? ये टोकरी वाले डिजाइन। टोकरी वाला डिजाइन हो गया, पर्स वाला डिजाइन हो गया। और भाई यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो सिलेंडर वाली भी गुल्लक मिल जाएगी। और भाई आपको यहाँ पे एक पिग्गी बैंक भी दिख जाएगी जो कि मिट्टी की ही बनी हुई है। ये भैया कहाँ से आती है? ये भी जयपुर से आती है। ये भी जयपुर से आती है।
और भाई अगर आपको चाहिए आउल वाली गुल्लक चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बड़ी सुंदर सुंदर गुल्लक हैं। तो भाई जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे आपको मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। यहाँ पे आके आप प्यारी प्यारी गुल्लक्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाई वो भी आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वाले मिट्टी के बर्तन खरीदने तो आपको आना पड़ेगा ग्वालियर में। जनकगंज है, जनकगंज में ही निरंकारी बेकरी है, पास में पुराने वाला थाना है जनकगंज का, और साथ में है सामने बीरू भाई की दुकान किराने वालों की, उन्हीं के सामने भैया का स्टॉल लगता है। तो आप आगे यहाँ से ये सारे आइटम खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में।